नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी मंगल और आप सभी का एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एस्ट्रो तक चैनल एक बहुत ही खास चैनल है जो कि आपका अपना चैनल है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं राशि अनुसार क्या करें खास उपाय हरतालिका तीज के दिन। शुरू करते हैं राशियों का सिलसिला और शुरू करते हैं मेष राशि के साथ। यदि आपकी मेष राशि है तो मां पार्वती जी की पूजा आराधना जरूर करें, उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित करें, मां की पूजा गुलाब के फूलों से करें। ऐसा करने से बहुत जल्दी आपको लाभ होगा। शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करें। एक विशेष मंत्र का जाप करना है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। इस खास मंत्र का जाप करें, इस मंत्र के जाप से विशेष लाभ होगा। और अब बात करेंगे वृष राशि की। आपकी यदि वृष राशि है तो मां पार्वती जी को श्रृंगार का सामान अर्पित जरूर करें, शिवलिंग का अभिषेक पंच अमृत से करें। ऐसा करने से विशेष लाभ होगा। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, इस मंत्र का जाप करने से शिव भोलेनाथ भोले भंडारी बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। बात करेंगे मिथुन राशि की। आपकी यदि मिथुन राशि है तो मां पार्वती जी को हल्दी और शिव जी को सफेद चंदन अर्पित करें, हरे वस्त्र स्वयं धारण करें। ऐसा करने से मां बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी और हरतालिका तीज के दिन आप मां और शिव को बहुत जल्दी प्रसन्न कर पाएंगे। बात करेंगे कर्क राशि की। आपकी यदि कर्क राशि है तो मां पार्वती जी को चांदी की बिछिया अर्पित करें, ओम सिद्धेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें, शिव भोलेनाथ भोले भंडारी का श्रृंगार जरूर करें और नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से बहुत जल्दी लाभ होगा। और अब बात करेंगे सिंह राशि की। मां पार्वती जी को गुलाबी चुनरी चढ़ाएं, ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप करें, तीज के दिन मां पार्वती जी को पीले फूल अर्पित करें। और बात करेंगे कन्या राशि की। माता जी को हरे वस्त्र अर्पित करें, ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप करें, पार्वती जी को पीले फूल की माला अर्पित करें और शिव जी को बेल पत्र अर्पित जरूर करें, स्वयं मेहंदी जरूर लगाएं। ऐसा करने से प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। और अब बात करेंगे तुला राशि की। मां पार्वती जी को पंच धातु का कड़ा अर्पित करें, प्रभु की पूजा करें, ओम त्रिशूलाय नमः इस मंत्र का जाप करें, शिव जी को पंच अमृत अर्पित करें और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। माता जी को सिंदूरी वस्त्र अर्पित करें, प्रभु की पूजा करें और ओम महेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि वाले लोग इस दिन शिवलिंग पर दुर्वा अर्पित जरूर करें और स्वयं पीले वस्त्र धारण करें। बात करेंगे धनु राशि की। यदि आपकी धनु राशि है तो मां पार्वती जी को पीले वस्त्र अर्पित करें, ओम पार्वती प्रियाय नमः इस मंत्र का जाप करें और पार्वती जी को सुगंधित पुष्प अर्पित करें, स्वयं लाल वस्त्र धारण करें। ऐसा करने से बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बात करेंगे मकर राशि की। मां पार्वती जी को मोती अर्पित करें, प्रभु की पूजा आराधना करते हुए ओम पशुपतये नमः इस मंत्र का जाप करें, शिव जी के मंदिर में देसी घी का दीपक जलाएं और सफेद चंदन शिवलिंग पर अर्पित करें। बात करेंगे कुंभ राशि की। आपकी यदि कुंभ राशि है तो माता जी को लाल चुनरी अर्पित करें, ओम अंगेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें,
शिव जी को सफेद पुष्प अर्पित करें और गुलाबी रंग के वस्त्र स्वयं धारण करें, आपकी पूजा जरूर सफल होगी। और अब बात करेंगे मीन राशि की। माता जी को पीले फूल अर्पित करें, ओम शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करें, शिव और पार्वती दोनों को पीले वस्त्र अर्पित करें और साथ ही साथ श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तो दोस्तों, हरतालिका तीज का दिन बहुत ही खास दिन होता है। एक ऐसा व्रत होता है जो कि करवा चौथ के व्रत से भी कठिन होता है। तो हरतालिका तीज पर यदि आप व्रत रख सकें तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं रख सकें तब भी पूजा आराधना जरूर करें।